यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में यमुना के जल स्तर से करीब 50,000 की आबादी प्रभावित हुई है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है, जिससे बसंतपुरा क्षेत्र में दर्जनों मकान डूब गए हैं। आपदा का दौरा करने के लिए डीसी, एडीसी, एसडीएम समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थिति खराब होते ही देख प्रशासन ने लोगों से मकान खाली करने की अपील की है। अतिरिक्त जिला उपायुक्त जितेंद्र धैया ने रात के वक्त यमुना में पानी के बढ़ने की संभावना को देखते हुए यहां से लोगों को निकालने के लिए खुद दौरा किया है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। लोगों को घर से निकालने के साथ साथ इलाके को बिजली भी काट दी गई है। तो यहां पर आपको बता दें कि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आसपास के इलाके जो है वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं। 50 से ज्यादा घर इससे प्रभावित हुए। फरीदाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आसपास के जो घर हैं वहां पर अस्त व्यस्त हो गया है सब कुछ और यहां पर खराब परिस्थितियां बनी हुई हैं। और यहां पर आपको बता दें कि लगातार बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासन मौके पर जाकर के निरीक्षण कर रहा है और यहाँ पर बीजेपी के उच्च नेता भी यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी बाढ़ से प्रभावित इलाके होंगे उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। तो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फरीदाबाद के जो आसपास के गांव हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। करीब 50,000 की आबादी यहां पर प्रभावित हुई है। बसंतपुरा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर दर्जनों मकान डूब गए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर यमुना जल स्तर की जो तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं 50,000 घर इससे प्रभावित हुए हैं, 50,000 आबादी इससे प्रभावित हुई है। तो बसंतपुरा क्षेत्र में दर्जनों घर डूब गए हैं। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से स्थिति जो है वो बेकाबू हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि स्थिति को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और यहाँ पर फरीदाबाद से ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और संजय गुप्ता फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय गुप्ता, यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इस वजह से स्थिति काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। तकरीबन 50,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। देखिए कृति, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में दो दिन से बाढ़ के पानी को लेकर भयावह स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो यमुना के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उनको खाली करवा लिया है। पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है, गोताखोर लगाए हुए हैं, नौकाएं भेजी हुई हैं और जो स्थानीय लोग हैं जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं उन लोगों को कैंप में शरण दी जा रही है, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। कुछ एनजीओ भी सक्रिय हो गए हैं जो कि ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं। जी, तो यानी कि यहाँ पर प्रशासन की पूरी तैयारी है, क्योंकि उन्हें शरण भी दी जा रही है कैंप में और भोजन भी दिया जा रहा है समय समय पर। जी बिल्कुल कीर्ति, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद इस मामले में पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है और ग्रामीणों के लिए स्थानीय स्तर पर खाने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, इन चीजों को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तो ग्रामीण संतुष्ट है, क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत सामने आई है? जी अभी तक तो अगर ग्रामीणों से जब बात की गई, अगर अभी तक की बात करें तो ग्रामीण इस मामले में कहीं कहीं कुछ लोग शिकायत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी इस तरीके का माहौल नहीं बना है कि बाढ़ ने बहुत ज्यादा भयावह रूप धारण कर लिया है जिससे कि कोई जान माल की हानि देखी जा रही है। अगर माल की हानि की बात करें तो मकानों में पानी घुस गया है आसपास, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग के चलते यमुना में जो मकान बनाए हुए थे उसी का नतीजा है कि जिसकी वजह से ही जनता को परेशानी पड़ रही है। जी संजय गुप्ता, कोई जानकारी कब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी? जी प्रशासन का कहना है कि यह स्थिति जब तक ऊपरी क्षेत्रों में, हिमाचल के क्षेत्रों में बारिश होती रहेगी तब तक थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर एक दो दिन अगर हिमाचल या हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ना बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर स्थिति का पूरी तरह कंट्रोल में आ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बसंतपुरा क्षेत्र में दर्जनों मकान डूब गए हैं और प्रशासन भी कहता हुआ नजर आ रहा है, जब तक हिमाचल में पहाड़ों में बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी।